लॉर्ड लिटन का जो असली नाम है वो है एडवर्ड रॉबर्ट लिटन, और ये रहे हैं 1876 से 1880 तक। इन्हीं के शासनकाल में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। इस रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के द्वारा उस समय की जो महारानी थी ब्रिटेन की, क्वीन विक्टोरिया, उन्हें आधिकारिक रूप से भारत की साम्राज्ञी मान लिया गया। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के द्वारा जो लॉर्ड लिटन के काल में आया था। सर स्क्रीन मत बढ़ाइएगा, बस हाँ लास्ट वाली बिल्कुल, लाइन ठीक 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के शासनकाल में पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। पहला दिल्ली दरबार इन्हीं के काल में आयोजित किया गया, और पहला दिल्ली दरबार हुआ 1877 में। मुझे कोई बता सकता है कितने दिल्ली दरबार लगे हैं? तो 1911 में था, दो और दूसरा तो शायद ही लगे हैं सर, एक ये था, एक 1911। तीन दिल्ली दरबार हैं, ध्यान रखिएगा। एक 1877 में है, दूसरा 1903 में है, और तीसरा 1911 में है। क्लियर? तो तीन में से पहला दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ, और उसके बाद अगला 1903 में होगा जाके आगे, तीसरा होगा 1911 में, जब दिल्ली, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करी जाएगी। पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, इन्हीं के काल में नहीं आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 का, इन्हीं के काल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली क्या था? ये इसलिए आया था, जैसे जन जागरूकता फैलाने वाले सारे माध्यम को, जो भी इनके खिलाफ बोल रहा था, उन सभी चीजों को, उनका गला घोटने के लिए ये नए नए चीजें लेके आते थे। जैसे सेडिशन एक्ट, राजद्रोह अधिनियम लेके आए, उसके बाद ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, वो आया, जब नाटकों के माध्यम से लोगों के बीच में इनकी इनकी नीतियों के विरोध में जागरूकता फैलाई जाने लगी, तो उनको रोकने के लिए वो लेके आ गए। फिर अखबार जब शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे अखबार थे जो स्थानीय भाषा में छपते थे, और स्थानीय भाषा में छपने पर वो अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में लिखते थे, लोगों के मन में इनके खिलाफ बातें भरते थे। भरते क्या था, जो सच था वो बताते थे, तो इनको हजम नहीं हुआ। और लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए 1878 में, इसका उद्देश्य था कि जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें छपने वाले अखबारों पर रोक लगाना या उसको बंद कर देना। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए, साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव लेके आए इन्होंने किया। हम लोगों ने जब पढ़ा था वो वाला एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने सिविल सर्विसेज कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसके बारे में पढ़ा था। और सिविल सर्विसेज में, यानी कि प्रशासनिक सेवाओं में जाने की जो अधिकतम आयु सीमा थी उस समय, वो कितनी थी? 21 वर्ष। सिविल सर्विसेज में जाने की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष थी, यानी कि 21 साल की उम्र में आप क्या हो जाएंगे? ओवर एज। और आज क्या है, 21 साल में तो शुरुआत होती है, तो सोचिए आज जब हम लोग शुरुआत करते हैं 21 साल की उम्र पाने के बाद फॉर्म भरने की शुरुआत होती है, उस समय आप ओवर एज हो चुके होते थे। इन्होंने इसको और घटा दिया, इस अधिकतम आयु सीमा को, सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने की अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इनके काल में दक्कन और दक्षिण भारत में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसको नाम दिया गया ग्रेट फैमाइन ऑफ 1876-78। ग्रेट फैमाइन, भयानक अकाल पड़ा, तो उसको महान अकाल का नाम दिया गया, ग्रेट फैमाइन ऑफ 1876-78। ये कहाँ पर पड़ा था? दक्कन और दक्षिणी भारत में पड़ा था। और इस अकाल के पड़ने के बाद एक और अकाल आयोग बनाया गया, ये क्या है, ये दूसरा अकाल आयोग बना, या फैमाइन कमीशन बना। और इस दूसरे अकाल आयोग या इस फैमाइन कमीशन के अध्यक्ष थे रिचर्ड स्टैनली। कई बार सवाल ने पूछा जाता है आर्म्स एक्ट कब आया? आर्म्स एक्ट आया 1878 में, और इसका मतलब है किसके काल में आया? इन्हीं लिटन के काल में आया। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 1880 में। और इस दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ गेंडमैक, या
गंडमक की संधि, और इस गंडमक की संधि का असर ये हुआ था कि अफगानिस्तान में जो वहां का शासक उस समय था याकूब खान, उसने जितने भी सीमावर्ती इलाके थे उन सीमावर्ती इलाकों का लगभग पूरा कंट्रोल इन ब्रिटिशर्स को दे दिया था। ठीक, ये गंडमक की संधि हुई 1879 में। सर इतने सारे ईयर्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाता हाँ, तभी तो सब लोग नहीं बन पाते, है ना, तो याद करना पड़ेगा। आसान बिल्कुल होता तो हर कोई ना बन जाता, है ना। बिल्कुल चलिए अगले हैं।